हेलो फ्रेंड, मेरे संथाल बुटीक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं 3 साल बच्ची का लहंगा टॉप कटिंग करने वाली हूँ। ये देखो, इसका नाप है, लेंथ है 9.5 इंच, चेस्ट है 22 इंच, वेस्ट है 20 इंच, शोल्डर है 10 इंच, स्लीव लेंथ है 3.5 इंच, मोरी है 7 इंच, सामने गला है 3.5 इंच, पीछे गला 1.5 इंच है। ये देखो, ये लाइनिंग कपड़ा लिए हैं। पहले लाइनिंग कपड़ा में कटिंग करेंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड करके इसका लेंथ है 22 इंच और का अर्च है 9 इंच, तो 9 दुना 18 इंच है। इसको ये देखो डबल फोल्ड किए हैं। इसको और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखो, इधर बंद भाग है, इधर खुला भाग है। ये पीछे दोनों साथ में कटिंग करेंगे। ये देखो, ऐसे में लेंथ है 12 इंच, शोल्डर लेंगे 5 इंच। ये देखो 5 इंच लिए हैं। ये देखो, इधर नीचे डाउन करेंगे 5 इंच। ये देखो ऐसे ले लिए हैं। और चेस्ट है 22 का 4 भाग लेंगे, तो यहाँ पे 5.5 हो रहा है। ये देखो 5.5 पे निशान लगाए हैं। और 2.5 इंच ज्यादा मार्जिन कपड़ा ले रही हूँ, 2.5 इंच लेंगे। ये देखो, और यहाँ से 0.5 इंच इधर अंदर साइड निशान देंगे। ये देखो फ्रेंड, ऐसे निशान लगा दिए हैं, 2 निशान। अंदर वाला से 1 इंच निशान देंगे यहाँ पे, और बाहर वाला से 1 इंच ऐसे निशान देंगे, और इसमें ऐसे गोलाई दे देंगे, और इसमें भी ऐसे। ये देखो गोलाई दे दिए हैं। और यहाँ पे कमर है 20, 20 का 4 भाग होगा 5 इंच। ये देखो 5 इंच ले रही हूँ यहाँ पे, और 2.5 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और इसको ऐसे सीधा कर देंगे। तो कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये देखो 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इधर 1.5 इंच पे निशान देंगे, और 1.5 इंच पे। यहाँ से भी 2 करेंगे ऐसे। ये देखो इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो सीधा कर लिए हैं, तो बराबर से रखेंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे। गोलाई दे दिए हैं, तो पहले यहाँ पे कटिंग करेंगे ऊपर वाला में, कि दोनों साथ में निकाल रहे हैं। ये देखो इसको हटा देंगे, और इसमें सामने वाले के लिए कटिंग करेंगे, सामने पार्ट के लिए अच्छा से सेट करके, नहीं तो कपड़ा इधर उधर हो जाता है। ये देखो, और यहाँ पे भी ये वाला निशान में कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखो लाइनिंग में दोनों हो गया है, सेम वैसे ही मेन कपड़ा में भी निकालेंगे। ये देखो फ्रेंड, लाइनिंग से अस्तर कपड़ा दोनों काट दिए हैं, आगे पीछे पार्ट का। अब आस्तीन निकालेंगे। सबसे पहले पेपर में कटिंग करेंगे, फुगा वाला आस्तीन है, 7 का आधा होगा, 3.5 मोरी। यहाँ पे 3.5 का निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से 2.5 इंच मार्जिन लेंगे,
यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे और यहाँ से भी ऐसे को काट के निकाल लेंगे। ये देखो फ्रेंड निकाल लिए हैं, अच्छे से लाइनिंग में निकालेंगे कपड़ा। ये देखो ये लाइनिंग कपड़ा है, इसको ऐसे फोल्ड किए हैं और एक बार ऐसे कर देंगे। ये देखो यहां से छोड़ेंगे 3 इंच। ये देखो इसको सीधा करेंगे, ये देखो सीधा किए हैं। अब नीचे 1 इंच लेंगे, इधर भी 1 इंच ऐसे किए और इसको ऐसे रख देंगे। सेम पेपर जैसे है वैसे ही निशान लगाएंगे। ये देखो सेम निशान वैसे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे यहाँ से है 4.25, तो यहाँ पे भी 4.25 लिख निशान देंगे। ये देखो इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखो सीधा किए हैं और ऊपर 1 इंच 1 इंच के निशान देंगे ऊपर। ये देखो और इसको ऐसे गोलाई दे देंगे। और यहां से भी ऐसे तिरछे में निशान लगा देंगे। ये देखो निकाल लिए हैं, दोनों आस्तीन के लिए निकाले हैं। यहाँ से भी अलग कर देंगे और लाइनिंग में जैसे निकाले हैं सेम वैसे ही मेन कपड़ा में निकालेंगे। ये देखो फ्रेंड लाइनिंग जैसे कटिंग किए थे वैसे ही मेन कपड़ा में भी निकाल लिए हैं। ये देखो अब स्टिच करने बताऊंगी। ये देखो फ्रेंड लाइनिंग और मेन कपड़ा को पहले ज्वाइन करेंगे। कट करके निकाल लेंगे। यहां से तो 3 इंच पे निशान देंगे। यहाँ पे यहां से भी ये देखो यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे है कट का निशान, वहां से ऐसे छोटा छोटा चुनट डालना शुरू करेंगे। ये देखो ऊपर डाल दिए हैं चुनट, अब नीचे डालेंगे। ये देखो नीचे भी डाल दिए हैं, ऐसे आएगा फुगा बन। दूसरा आस्तीन भी वैसे ही चुन्नट बनाएंगे। ये देखो फ्रेंड दोनों चुन्नट बना चुके हैं। ये यहाँ पे मोरी साइड ऐसे पट्टी लगा के मोड़ देंगे। ये देखो फ्रेंड ये पट्टी लगाएंगे ऐसे करके। ये देखो इसको ऐसे मोड़ करके फ्लाई कर देंगे ऐसे।
ये देखो फ्रेंड सिल दिए हैं, इसमें भी ऐसे ही सिलेंगे। ये देखो फ्रेंड दोनों सिल दिए हैं, नीचे पट्टी लगा दिए हैं और ऐसे करके डीप कटिंग कर देंगे इसको दोनों बराबर करके। इधर डीप कटिंग करेंगे, देखो डीप कटिंग कर दिए हैं, यहाँ पे सील देंगे। और इधर इसको इधर कर देंगे, ये देखो सील दिए हैं। अब इसका सेंटर निकालेंगे, ये देखो इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पे है सेंटर, यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे ऐसे, इसमें भी। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी कट का निशान लगा देंगे। देखो फ्रेंड टॉप पार्ट है ये, मेन कपड़ा हो, और ये लाइनिंग है, इसको ऐसे अच्छा से सेट करके सिलाई करेंगे। पहले नीचे सिलाई करेंगे, ये देखो फ्रेंड नीचे सिल दिए हैं। अब इसको पलटी कर देंगे, ऐसे पलटी करके यहाँ पर फिनिशिंग सिलाई दे देंगे किनारे में। राउंड में सिल देंगे इसको, ये देखो फ्रेंड एक पार्ट सिल दिए हैं, वैसे ही दूसरा पार्ट को सिल देंगे। तो ये स्टार यहाँ पे गले का भी निकाल देंगे, ये देखो निकाल दिए हैं, देखो अब बराबर चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। ये देखो बराबर है, ये देखो फ्रेंड पीछे का पार्ट भी सिल दिए हैं। ये देखो ऐसे काट देंगे बीच में, ये देखो एक साइड में अस्तर लगा रही हूँ, ये देखो फ्रेंड इसको नीचे ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे, और इसको अंदर साइड ले जाके ऐसे सिल, इसको सिलेंगे। इसमें मेन कपड़ा ले रही हूँ और लाइनिंग कपड़ा, ये देखो सिल दिए हैं, कैसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख करके यहाँ पे ऐसे सिल देंगे। ये देखो फ्रेंड सिल दिए हैं, ये देखो ये ऐसे रहेगा। ये देखो अब शोल्डर जोड़ेंगे, यहाँ पे अच्छे से पकड़ के बराबर शोल्डर जोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखो ऐसे ही इधर जोड़ेंगे,
ये देखो फ्रेंड, इसे बना लिए हैं। अब आस्तीन लगाएंगे इसमें, यहाँ से बीच में रखेंगे, यहाँ पे कट का निशान लगाए हैं, वैसे इधर सिलाई करेंगे। ये देखो इधर सिल दिए हैं, इधर भी ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखो सिल दिए हैं, अब डबल डबल सिलाई कर देंगे। ये देखो डबल सिलाई कर दिए हैं, इधर भी ऐसे सिलाई करेंगे। ये देखो फ्रेंड सिल दिए हैं, दोनों साइड आस्तीन लगा दिए हैं। अब इसका फिटिंग देंगे। ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से कमर का निशान देंगे। कमर है 19, 19, 19 का होता है 4 भाग, 4.5 होता है यहाँ पे, तो 4.5 का निशान देंगे। इधर भी 4.5 का निशान देंगे। ये देखो, ये देखो यहाँ पे है सेंटर। अब यहाँ से चेस्ट का नाप देंगे, चेस्ट का नाप है 22, उसका 4 वक्त होगा 5.5, तो 5.5 का निशान देंगे। और इधर भी 5.5 का निशान देंगे। ये देखो, अब इसको सीधा कर देंगे ऐसे। ये देखो इसको ऐसे मिला करके सिल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे 7 है तो मोरी रहेगा 3.5 इंच, तो यहाँ पे 3.5 का निशान देंगे। ये देखो आपको ऐसे बराबर पकड़ के, ये देखो एक साइड सिल दिए हैं। ये देखो फ्रेंड एक साइड फिटिंग दे दिए हैं, दूसरे साइड भी वैसे ही फिटिंग देंगे। ये देखो फ्रेंड दोनों साइड फिटिंग दे दिए हैं। ये देखो, तो यहाँ पे गला में पट्टी लगा देंगे। ये देखो फ्रेंड तिरछे पट्टी काट दिए हैं, अब इसको ऐसे सिल देंगे। ये देखो फ्रेंड किनारे किनारे में एक सिलाई कर दे रही हूँ। ये देखो सिल दिए हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा को काट करके निकाल देंगे। आराम से काटना है, नहीं तो मेन कपड़ा कट जाएगा। ऐसे करके ये किनारे में सिल देंगे। ये देखो फ्रेंड लगा दिए हैं। ये देखो फ्रेंड 3 साल बच्ची के लिए लहंगा टॉप बन गया है। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।